श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 113 परिच्छेद 17 मनोमोहन तथा सुरेंद्र के मकान पर श्री रामकृष्ण। रविवार 19 नवंबर 1882 ईस्वी सन। आज श्री जगद्धात्री पूजा है। सुरेंद्र ने निमंत्रण दिया है। वे भीतर बाहर हो रहे हैं। कब श्री रामकृष्ण आते हैं? मास्टर को देख वे कह रहे हैं, तुम आए हो और वे कहाँ हैं? इतने में श्री रामकृष्ण की गाड़ी आ खड़ी हुई। पास ही श्री मनोमोहन का मकान है। श्री रामकृष्ण पहले वहीं पर उतरे। वहाँ पर जरा विश्राम करके सुरेंद्र के मकान पर जाएंगे। मनोमोहन के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जो असहाय दीन दरिद्र है उसकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है, जिस प्रकार खली मिला हुआ चारा गाय को प्यारा है। दुर्योधन उतना धन उतना ऐश्वर्य दिखाने लगा, पर उसके घर पर भगवान न गए, वे विदुर के घर गए। वे भक्त वत्सल है, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। श्री राम कृष्ण गाने लगे। भावार्थ यह है, उस भाव के लिए परम योगी युग युगांतर तक योग करते हैं। भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खींच लेते हैं जैसे लोहे को चुंबक। चैतन्य देव की आंखों से कृष्ण नाम से आंसू गिरने लगते थे। ईश्वर ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। मनुष्य चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह कामिनी कांचन का भोग करने में ही मस्त रहता है। सिर पर मणि रहते हुए भी सांप मेंढक खाता रहता है। भक्ति ही सार है, ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन जान सकेगा। मुझे भक्ति चाहिए, उनका अनंत ऐश्वर्य है, उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता है। एक बोतल शराब से यदि नशा आ जाए तो फिर यह जानने की क्या आवश्यकता है कि कलार की दुकान में कितने मन शराब है। एक लोटा जल से मेरी तृष्णा शांत हो सकती है। पृथ्वी में कितना जल है यह जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। सुरेंद्र के भाई और जज का पद जाति भेद। श्री राम कृष्ण अब सुरेंद्र के मकान पर आए हैं। आकर दो मंजिले के बैठक घर में बैठे हैं। सुरेंद्र के मझले भाई जज हैं, वे भी बैठे हैं। अनेक भक्त कमरे में इकट्ठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण सुरेंद्र के भाई से कह रहे हैं, आप जज हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना जानिएगा, सभी कुछ ईश्वर की शक्ति है। बड़ा पद उन्होंने ही दिया है, तभी बना है। लोग समझते हैं हम बड़े आदमी हैं। छत पर का जल शेर के मुंह वाले परनाले से गिरता है, ऐसा लगता है मानो शेर मुंह से पानी उगल रहा है। परंतु देखो कहाँ का जल है, कहाँ आकाश में बादल बना। उसका जल छत पर गिरा और उसके बाद लुढ़क कर परनाले में जा रहा है और फिर शेर के मुंह से होकर निकल रहा है। सुरेंद्र के भाई, महाराज ब्राह्म समाज वाले स्त्री स्वाधीनता की बात कहते हैं और कहते हैं जाति भेद उठा दो, यह सब आपको कैसा लगता है? श्री राम कृष्ण, ईश्वर से नया नया प्रेम होने पर ऐसा हो सकता है? आंधी आने पर धूल उड़ती है, समझ में नहीं आता कि कौन आम का पेड़ है और कौन इमली का। आंधी शांत होने पर फिर समझ में आता है। नए प्रेम की आंधी शांत होने पर धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ईश्वर ही श्रेय नित्य पदार्थ है और सभी कुछ अनित्य। साधु संग और तपस्या न करने पर ठीक ठीक धारणा नहीं होती। पखावच का बोल मुंह से बोलने से क्या होगा? हाथ पर आना बहुत कठिन है, केवल लेक्चर देने से क्या होगा? तपस्या चाहिए, तब धारणा होगी। जाति भेद, केवल एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह है भक्ति। भक्ति के जाति नहीं है। भक्ति से अछूत भी शुद्ध हो जाता है। भक्ति होने पर चांडाल फिर चांडाल नहीं रहता। चैतन्य देव ने चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को शरण दी थी।
ब्राह्मगण हरि नाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्याकुल होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वर लाभ होगा, सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं, जिस प्रकार एक घाट का जल हिंदू लोग पीते हैं कहते हैं जल, दूसरे घाट में ईसाई लोग पीते हैं कहते हैं वाटर, और तीसरे घाट में मुसलमान पीते हैं कहते हैं पानी। सुरेंद्र के भाई, महाराज थियोसॉफी कैसी लगती है? श्री राम कृष्ण, सुना है लोग कहते हैं कि उससे अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। देव मॉडल नामक व्यक्ति के मकान पर देखा था कि एक आदमी पिशाच सिद्ध है। पिशाच कितनी ही चीजें ला देता था, अलौकिक शक्ति लेकर क्या करूँगा? क्या उससे ईश्वर प्राप्ति होती है? यदि ईश्वर प्राप्ति न हुई तो सभी मिथ्या है।